गाइज आज हमारा माइलो पढ़ाएगा आपको जनसंख्या प्रति पर निबंध, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो अगर आप इस तरीके से निबंध लिखते हो जनसंख्या विस्फोट पर, तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, वक्त एग्जाम का है हौसलों को बनाए रख। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध कह सकते हो, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का एग्जाम में सीधा सीधा आता है। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट आप कह लो चाहे जनसंख्या वृद्धि कह लो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है रूपरेखा, ठीक है। वहां पर आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, मैं आपको बताने के लिए रेड का कर रहा हूं। यहां पर रूपरेखा में आप लिखोगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद देख सकते हो भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है वो आप बता सकते हो, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, है ना, ये बता सकते हो, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो बता सकते हो, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय वो बता सकते हो, उपसंहार बता सकते हो, जनसंख्या अगर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले लाभ हैं तो आप वो भी बता सकते हो कौन कौन से लाभ हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें देखो मैं आपको बताऊं आपको कैसे लिखना है, 9:1 आने वाला है, मतलब एक एक नंबर के 9 हेडिंग आप लिख देते हो तो एग्जामिनर चाह कर भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं अब की बार कि भाई अगर आप निबंध लिखना तो आप 9 हेडिंग जरूर बनाना किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, कम से कम 3 पेज में निबंध लिखना है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हुई है कि उसे विस्फोट की संज्ञा मिल गई है ना, जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यहां पर अच्छा नहीं होगा लिखा गया है, परिणाम बहुत घातक होगा, परिणाम बहुत बुरा होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर मिल गया परिणाम से ही मुझे याद आ गया कि आप लिख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणाम, दुष्परिणाम भी लिख सकते हो या परिणाम लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, है ना। चलो मैं आगे बताता हूं, यहां पर भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है देख सकते हो, यहां पर ये आप लिख सकते हो कि भाई हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हुई, यानी बहुत तीव्र गति से हुई है, आजादी के समय 50 करोड़ रहने वाली जनसंख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है, यानी लगभग 140 से 150 करोड़ तक जनसंख्या हो गई है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ है 2011 में दोस्तों, अभी कितना टाइम हो चुका है, इस समय तो 140 करोड़ तक लगभग पहुंच गई होगी, लेकिन जनगणना के अनुसार यहां पर तथ्य लिखने होते हैं, ठीक है। तो तथ्य क्या है कि 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार 120 करोड़ जनसंख्या थी भारत में, ठीक है, 120 करोड़ की जनसंख्या पार कर गई थी। वर्तमान में यह बढ़ते बढ़ते 122 करोड़ छूने लगी है। इतनी बड़ी जनसंख्या अपने आप में एक समस्या है। देखो जनसंख्या अब बढ़ेगी तो आप ही जानते हो कितना आप कह सकते हो नुकसान कह सकते हो या कुछ भी, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा हर चीजों की जरूरत होगी। अब जरूरतें पूरी करने के लिए हम पृथ्वी पर ही तो आश्रित है, तो पृथ्वी सबसे पहले ही घट रही है, पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो भी घट रहे हैं, कोयला हो गया, हमें बिजली की आवश्यकता होती है, हम कूलर पंखे लगाते हैं, तो जितने लोग रहेंगे भाई उतनी जरूरत रहेगी, तो उसके अनुसार जो संसाधन है वो घट जाएंगे। तो यहां पर आ जाता है कि बढ़ती जनसंख्या सिमटते साधन, इस पर निबंध लिखिए, तो वो भी यही टॉपिक ही होता है, बिल्कुल सेम ही होता है ना, तो बस घुमा फिरा कर पहुंच सकता है। तो उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हो इस तरीके से आपको लिखना है, ये देखो ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में जनसंख्या में जो इतनी तेजी से वृद्धि हुई है, ठीक है, इसका कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं। हमारे देश के लोगों में शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा था, लोग बहुत ही अशिक्षित थे, जिस परिवार सदस्यों की अधिक है, जिसका परिवार सदस्यों में अधिक है ना, जिसमें मतलब जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है वे लोग अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित और गरीब ही रहेंगे। तो यहां पर आप भी देखोगे जहां पर दोस्तों शिक्षित लोग नहीं रहते वहां पर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है कि बच्चों की देन तो भगवान की देन है, हाँ जितने पैदा होंगे हम करेंगे भैया, है ना, रोक तो लगाएंगे नहीं, जो यहां पर साधन है रोकने के तो उनको हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये सारी चीजें मानना है बहुत सारे लोगों को, वो अशिक्षित लोगों का मानना है, आप भी जानते हो। और अशिक्षित लोगों में आप देखोगे, आप देखो मैं कास्ट वगैरह सच में बताऊं दिल से तो मैं नहीं मानता, लेकिन आप देखोगे कहना नहीं चाहिए जो निचले समाज है, निचले स्तर का आप देखोगे वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उनके ना तो सही से खाने की व्यवस्था हो पाती है, ना पीने की, ना कपड़ा पहनने की, ना ओढ़ने की, है ना, ना पढ़ाई की। तो दोस्तों आप जो पढ़ेगा नहीं वो फिर अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, फिर वो भी 10
बच्चे पैदा करेगा, तो इससे हमारे देश में गरीबी भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने दिमाग से लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं वही आप लोग रटो, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे कि भाई जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, आवासों की कमी, ठीक है। क्या है? बेरोजगारी, आवासों की कमी, यहां पर कामा करके लिखना चाहिए, आवासों की कमी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं होती रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या काफी है, यानी बहुत अधिक है। या गरीबी और अभाव अपराध, ठीक है, चोरी भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को जन्म देती है। आप देखोगे इंडिया में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, चोरी भी है और अपराध भी बहुत होते हैं। इसका एक और कारण है अशिक्षा, और अशिक्षा का मतलब है कि भाई गरीबी, गरीबी का मतलब है भाई बहुत अधिक जनसंख्या, ये भी आप कह सकते हो। एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश में आप देखोगे ज्यादातर लोग गरीबी स्तर जो है उससे भी नीचे है भाई। खाना तक नसीब बहुत सारे लोगों को नहीं होता, ठीक है। तो यही है, अगर आपको नसीब हो रहा है तो भाई पढ़ाई अच्छे से करो और चार लोगों को मोटिवेट करो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं, ये भी आप यहाँ पर हेडिंग डाल डाल कर लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी समस्याएं भाई, घटते साधन, ठीक है, और भी जो भी हैं लिख सकते हो, है ना, घटते साधन, कपड़ों की कमी, इस तरीके से हेडिंग बना बना कर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, इस, ठीक है, इस बारे में सरकार जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सरकार द्वारा जो है दोस्तों जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सरकार द्वारा यहाँ पर होना चाहिए, सरकार के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आदमी तो चलाएगा नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो कि हमारे देश में कमी है। आप देखोगे यहाँ पर अगर परिवार नियोजन, इन सारे के बारे में आप बात करोगे तो आपको लोग बुरी नजर से देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा गलत है। बहुत सारे लोग आप देखोगे अगर सेक्स से रिलेटेड बातें करोगे, है ना, ये क्योंकि जो लाइफ का एक अहम हिस्सा है दोस्तों, उस पर अगर कोई बात करता है, उस पर अगर जागरूक करने की कोशिश करता है ना, तो उसको ही लोग बुरा बोलने लगते हैं कि भाई तू ऐसा है, ये वो, है ना। तो यही यहां पर क्या क्या है, कमी शिक्षा की दोस्तों, शिक्षा की कमी मतलब गरीबी। तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है कि भाई विद्यालयों में जो ये होना चाहिए, उसके बाद सरकार अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सुविधाओं से वंचित करने के नियम बनाए, ठीक है, बनाए, ये आप लिख सकते हो। तो जो सरकार है हमारी दोस्तों, वो क्या कर सकती है कि भाई अगर दो से अधिक बच्चे या तीन, जो भी उसको क्राइटेरिया रखना है अपने हिसाब से, मैं तो कहूंगा दो, है ना, तो उसके अनुसार क्या करना चाहिए कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, अगर आप दो से अधिक बच्चे पैदा करोगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस तरीके से कर देंगे तो लोग फिर डरेंगे और फिर वो थोड़ा समझेंगे, और जब तक आप ही जानते हो भाई, पाते रहेंगे जब तक कहां से सुधरेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपनानी चाहिए। सरकार भी मजबूर है क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो विरोध में है, इतने लोग अशिक्षित हैं, सरकार को वोट तक नहीं देंगे, वोट के डर से सरकार ऐसा काम नहीं करती है। तो ये सारी चीजें होती है, सरकार करना भी चाहती है तो नहीं कर सकती है, बहुत सारे कारण है इसमें, ठीक है। जो भी पॉलिटिशियन है वो भी चाहते हैं कि भाई कहीं अगर यहां पर हमारे, अभी मैं बताता हूं आगे, ठीक है, क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिखोगे यहां पर, देखो ये उपसंहार ऊपर लिखा है लेकिन आपको इसको सबसे नीचे लिखना है, ठीक है। ये बाद में मैंने टॉपिक बनाए हैं, इसको लिख दिया था, तो ये इसलिए है, मैंने नहीं लिखा है, जो लिखे हैं उनका है ना, तो मैंने फिर बोला कि भाई और टॉपिक आपको लिखना चाहिए, इतने में थोड़ी ना 9 नंबर मिलेंगे, तो 9 नंबर मिलने लायक आपको लिखना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि भाई जन्म दर में वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय में जन्म दर में वृद्धि। यहां पर दोस्तों देखिए जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण के बाद जस्ट आपको ये लिखना है, जन्म दर में वृद्धि, है ना, शीघ्र विवाह कर देना, गरीबी, यही तो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ये यहां पर कारण लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये टॉपिक जो है इसके नीचे लिख देना है, तो बस आपको ये उतारना है, छापना है, तो मैं जो बता रहा हूं वही आपको करना है, ठीक है। तो ये है देखो, सबसे पहले जन्म दर में वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक उच्च जन्म दर है। उच्च दर, जन्म दर मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अधिक बच्चे पैदा करते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, इसे नियोजन द्वारा काबू पाया जा सकता है, सरकार इस पर ध्यान, सरकार को, है ना, देखो वाक्य में आपको थोड़ा गड़बड़ी नहीं करना है, को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां पर दोस्तों है आपका, देख सकते हो क्या है, शीघ्र विवाह, अगर कोई भी शीघ्र विवाह हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट में कम उम्र में शादी करना भी एक आवश्यक कारण हुआ। भारत में शादी की उम्र 18 वर्ष है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, जो लगभग क्या है कि 23 से 25 वर्ष है अन्य देशों में, है ना।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार इस पर भी जागरूक, सरकार आप कह सकते हो नियम है लेकिन इस नियम का पालन बहुत कम होता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे भाई 18 साल से कम उम्र में भी शादी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करें भाई, बच्चों को परेशान करने लगते हैं, नहीं भाई शादी कर देना चाहिए, ये वो कुछ भी करना चाहेगा तो भी उसकी क्या है कि बोलेंगे ये जिम्मेदारी तुझे लेनी है, ये करना है, तो शादी तुरंत मतलब करने की कोशिश रहती है। और हमारे समाज की कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी होती है क्या है कि कुछ अलग करने के लिए नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जो पहले के जमाने के लोग थे वैसे ही आज भी वो सोचते हैं कि वैसा ही रहें, तो वैसे ही मतलब सोच उनका सोच है और वैसे ही लोग वो सोचते हैं, पूरा समाज इस पर जिम्मेदार है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण आप बता सकते हो यहां पर कि क्या-क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे समाज यहां पर सोचने में मजबूर कर देता, जैसे बेटियों में शिक्षा की कमी, ये भी बता सकते हो क्योंकि उनको शिक्षा के लिए इसलिए नहीं जाने दिया जाता। जो आप रियलिटी लिख सकते हो कि भाई उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है, घर वालों का डर होता है कि वो स्कूल जाएंगी तो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें उसके कारण बहुत सारे लोग जल्दी शादी भी कर देते हैं ना कि भाई बच्चियां रहेंगी तो हमारी इज्जत है, और क्या है ऐसे बहुत सारी सोच होती है कि भाई इज्जत है, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी हुआ तो ये सारी चीजें होती है, जल्दी से इसकी शादी कर दो, मतलब शादी कर दो तो इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती, उसके पहले मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजें सामाजिक कारण में भी बहुत सारा यहां पर है ना, आप भर भर के लिख सकते हो यार अपने से सोचकर, मैं जो बता रहा हूं उसको ही नहीं लिखना है यहां पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शीघ्र विवाह मैंने आपको बता दिया है ना, उसके बाद देखो क्या है कि भाई गरीबी भी एक दोस्तों कारण है। जनसंख्या विस्फोट से हमारा देश गरीब होता जा रहा है, ज्यादातर परिवार में बच्चे ही कमाई का जरिया बन जाते हैं, बच्चों पढ़ा नहीं पाते हैं, इससे पूरा परिवार अशिक्षित हो जाता है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, इससे पूरा जो है परिवार अशिक्षित हो जाता है। देखो ये एक चैन बनती जाती है। अब आप बोलोगे कैसे भैया, देखो अगर कोई भी है अशिक्षित है मान लो, अब वो क्या करेगा, वो काम करके किसी तरीके से तो परिवार पाल लिया, अब उसके बाद वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता है, भाई पहले से उसकी कमाई तो बहुत कम है, अब दो लोगों को पालने के लिए कमाई आ रही है और वो चार पांच बच्चे पैदा कर लेता है, जिससे उसको ना कपड़े सही मिल पाते हैं ना भोजन मिल पाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं, भाई भोजन नहीं मिलता तो कुपोषण हो जाता है उनको, है ना, भुखमरी का भी कारण हो जाता है, और वो जल्दी ही आप देखोगे मजदूरी ये सारी चीजें करने लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ने की उम्र होती है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते पारिवारिक कारण की वजह से। तो आप लिख सकते हो यहां पर पारिवारिक कारण, देख रहे हो हेडिंग अपने आप बन रही है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई अपने से लिखने की कोशिश आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखो बस खत्म यहां पर हो गया, लेकिन आप मैंने जो बताया वो टॉपिक लिख सकते हो, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो भाई, सामाजिक कारण जो भी है, अपना ही बताऊं मैं, अपना बताऊं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं काशिश, कितना लड़ रहे हैं भाई समाज से हम, है ना, तो भाई थोड़ा शिक्षित है, थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं, हम ही बोल देते हैं कि भाई हम जब दूसरों को बता रहे हैं, अगर हम ही वो करके बैठ जाएंगे तो फिर क्या मतलब है, जो बता रहे हैं आखिर वो अपने ऊपर तो अप्लाई करना चाहिए ना। तो भाई यही है कि भाई समाज का दबाव होता है, खुद मेरे ऊपर इस समय दबाव डाला जा रहा है कि भाई तू शादी कर ले, अभी मेरी वो एज क्या है भाई 18 साल आप कह सकते हो, इतने में अभी बोला जा रहा है, देख रहे हो कितना, और देखो जो सरकारी नियम है उसका उल्लंघन करने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो ये सारे कारण सामाजिक कारण हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों रिश्तेदार तैयार हो जाएंगे, रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, एक तरफ आपके पड़ोसी खड़े हो जाएंगे, एक तरफ घर वाले खड़े हो जाएंगे, एक तरफ आपकी परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे मतलब करेंगी कि भाई बस अब तो हार मान लूं, बस बहुत आपको बहादुर बनना पड़ेगा तभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपनी सोच बड़ी करो, सोचना थोड़ा प्रारंभ करो, सोच सोच कर निबंध लिखने की कोशिश करो, निबंध कभी रट कर मत लिखना, निबंध ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, उस पर आप गूगल कर सकते हो, 8-10 निबंध पढ़ो, उसमें से बना बना कर लिखने की कोशिश करो, आपका दिमाग बिल्कुल क्रिएटिव बनेगा, शार्प बनेगा और आप निबंध में फोड़ कर आओगे। अब मैं जाता हूं, ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूं, जय हिंद।